हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज पीनस। वी आर गोइंग टू स्टडी द एनाटॉमी ऑफ पीनस एंड वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस हाउ इरेक्शंस टेक्स प्लेस, व्हाट इज मॉर्निंग इरेक्शन, व्हाट आर नाइट फॉल्स। वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। If we are talking about the penis, so it is one of the largest male external component. तो male body का जो external component है, external genitalia है, उसका largest part है penis. And this penis, if we talk about its general structure, then it has following components. It consists of two parts, that is root and body. So this part is considered as root and this part is considered as body. तो दो पार्ट से बना होता है पीनस, रूट एंड बॉडी। एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस इट्स अदर पॉइंट्स। नंबर वन, वी आर टेकिंग द लोकेशन ऑफ पीनस, कि पीनस कहां पर लोकेटेड है मेल बॉडी में। सो इट इज लोकेटेड इन द एक्सटर्नल एंटीरियर पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ पेल्विस। सो इट इज लोकेटेड ऑन एक्सटीरियर एंटर सॉरी एक्सटर्नल एंटीरियर पार्ट of surface of pelvis. And if we talk about its position, so it has two type of positions. Number one is erect and number two is flaccid. So in general, penis lies in two positions, either in the erect position or in the flaccid position. And if we are talking about it parts, so penis has two parts, root and body. And if we talk about the root, then root has two parts, that is crust, and the second part is bulb. So root has two parts, crust or crura and bulb. So we can also call it as crura or crust. And the second part is bulb, and body also consists of two type of spongy tissue, that is corpora cavernosa and corpora spongiosum. So these are two main parts of the body of the penis. And if we are talking about this perineal membrane, it provides attachment of musculature of penis. So attachment of muscles of penis is done by perineal membrane. And penis has two supporting systems. One is of ligaments, and these two ligaments are fundiform ligament and suspensory ligament. So two ligaments supports the penis. तो अगर हम penis की बात करें तो penis human body के अंदर लगा हुआ कहां पे है? It is present in external anterior part of surface of pelvis. Then its position are of two types, that is erect and flaccid. और अगर हम इसकी parts की बात करें तो penis दो parts का बना है, root और body. Root बना है crust या crura और bulb से, और body बनी है two type के erectile tissue से, spongy tissue से, जिसको कहते हैं corpora cavernosa and corpora spongiosum. And penis is supported by two ligaments, that is fundiform ligament and suspensory ligament. और अगर अब हम बात करें
तो पिनस के ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं ग्लांस पिनस, और इस ग्लांस पिनस के ऊपर मौजूद होती है एक स्किन जो कि काफी लूज रहती है, एंड दिस स्किन इज नोन एज फोर स्किन और प्रेप्यूस, और इस प्रेप्यूस के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है विच इज नोन एज प्रेप्यूटियल ग्लैंड, एंड दिस प्रेप्यूटियल ग्लैंड सिक्रीट्स अ व्हाइट सीबेशियस सब्सटेंस। तो जो पिनस का अगला हिस्सा होता है, उस अगले हिस्से पर जो स्किन है उसकी स्किन में एक ग्लैंड होता है प्रेप्यूटियल ग्लैंड, एंड दिस ग्लैंड प्रोड्यूसेस व्हाइट कलर सीबेशियस सब्सटेंस। इसी वजह से पिनस के अगले हिस्से से थोड़ी सी स्मेल भी आती है। तो जो पिनस का अगला हिस्सा है उसमें एक चिपचिपा स्मेली सब्सटेंस बनता है जिसे बनाता है प्रेप्यूटियल ग्लैंड। तो पिनस के आगे की जो स्किन है उसकी स्किन के अंदर इस स्किन में ग्लैंड मौजूद है, और इस ग्लैंड को हम क्या कहेंगे, प्रेप्यूटियल ग्लैंड। और ये सफेद रंग का चिपचिपा एक पदार्थ बनाता है जिस कारण से पिनस में से स्मेल भी आती है। तो ये था इसका अगला पार्ट, और पिनस के सेंटर से जाती है यूरेथ्रा विच कैरीज स्पर्म्स एंड यूरिन। तो जब स्पर्म्स आते हैं तब यूरिन नहीं आता, और जब यूरिन आता है तो स्पर्म नहीं आते, और इसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर्स इसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और पिनस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, दो टाइप के स्पॉन्जी टिश्यू, नंबर वन कॉर्कोरा कैवर्नोसा एंड नंबर टू कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। जब कॉर्पस स्पॉन्जियोसम नीचे की तरफ आके टेपरिंग हो जाता है, यहां आकर के ये पतला हो गया, टेपर में हो गया, तो इस पार्ट को कहा जाएगा क्रूरा। और ये जो पार्ट सेंटर में है ये थोड़ा स्वेल्ड पार्ट है, दिस इज नोन एज बल्ब, और ये हेल्प करता है जिस टाइम पे स्पर्म्स को रिलीज होना होता है उस टाइम। और ये जो है रूट, ये बना है बल्ब और क्रूरा से, एंड दिस पेरिनियल मेम्ब्रेन इट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ मसल्स ऑफ पेनिस। तो आपको ये सब याद रखना है इन स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। तो पेनिस का जो स्ट्रक्चर है उसके टू पार्ट्स हैं, बॉडी और रूट। और अब हम डिस्कस करेंगे कि पेनिस इरेक्ट कैसे होता है, इरेक्शन क्या होता है, और डे टाइम पर या जब कोई मेल नॉर्मल है तो उस टाइम पर उसका पेनिस इरेक्ट क्यों नहीं रहता। तो पेनिस इरेक्ट क्यों रहता है और पेनिस इरेक्ट क्यों नहीं होता है, वी हैव टू डिस्कस बोथ दीज टॉपिक्स। तो अगर हम देखें पेनिस के अंदर, तो इंटरनली हमें इसको समझना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम ले रहे हैं कि पेनिस इरेक्ट क्यों नहीं होता, तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल बनता है नॉर इपिनेफ्राइन। तो हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल बनता है नॉर इपिनेफ्राइन जब हम जाग रहे होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, तो ये केमिकल पिनस की तरफ जा रही ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, पतला कर देता है, जिस कारण पिनस में कम ब्लड जाता है। तो नॉर इपिनेफ्राइन ब्लड वेसल पर एक्ट करता है और उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है
जिस वजह से पिनस के अंदर लेस ब्लड जाएगा और लेस ब्लड के कारण पिनस इरेक्ट नहीं होगा। तो आपको क्या याद रखना है कि जब कोई मेल सेक्सुअल थॉट कैरी नहीं कर रहा है, कोई मेल सेक्स के बारे में नहीं सोच रहा है, उस टाइम पर उसका पिनस कैसा होता है? फ्लैसिड, यानी कि पिनस इरेक्ट नहीं होता है। तो जब पिनस इरेक्ट नहीं है तो वो इरेक्ट क्यों नहीं है? उसका कारण यह है कि ब्रेन में एक केमिकल बना नॉरएपिनेफ्राइन, वो क्या करेगा, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखेगा, जिससे पिनस में लेस ब्लड जाएगा और पिनस इरेक्ट नहीं होगा। तो जब कोई मेल सेक्सुअल एक्साइटमेंट में नहीं होता है तो उसका पिनस कैसा रहता है? फ्लैसिड या नॉन इरेक्ट। तो फ्लैसिड या नॉन इरेक्ट पिनस का कारण क्या है? ब्लड वेसल का पतला होना। यदि पिनस के अंदर लेस ब्लड जाएगा, कम खून जाएगा, तो पिनस इरेक्ट नहीं होगा। यानी कि पिनस इरेक्ट कब होता है? जब पिनस में ज्यादा ब्लड जाता है। और अब हम ये समझेंगे कि कोई मेल सेक्सुअली एक्साइट होने पर अपने पिनस को कैसे इरेक्ट करता है या पिनस में इरेक्शन कैसे आता है। सो ये तो नॉन इरेक्ट पिनस की बात थी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टडी ऑफ इरेक्शन ऑफ पिनस। सो इट इज ऑल्सो वेरी इजी। तो पिनस इरेक्ट कैसे होता है ये देखिएगा। ये आ गया हमारे पास पहला टिश्यू, ये है, अगर हम इसकी बात करें, सो दिस इज वी आर हैविंग ये आ गए हमारे पास स्पॉन्जी टिश्यू, दैट इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और कॉर्पोरा कैवर्नोसा के नीचे जाती हैं वेन्स। सो हियर वी हैव वेन, हियर ऑल्सो वी हैव वन वेन, एंड दीज वेन्स कैरीज डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड टू द बॉडी। और सेंटर में हमारे पास जा रही हैं ब्लड वेसल्स कैरिंग ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। तो ये ब्लड वेसल लेकर के जाएगी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजिनेटेड ब्लड लेकर के ये आर्टरी आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके ये वेन जा रही है। तो ये मैंने पेनिस के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है। पेनिस के अंदर आर्टरी ब्लड लेकर के आ रही है और वेन ब्लड लेकर के जा रही है। तो वेन का काम है ब्लड को लेकर के जाना और आर्टरी का काम है ब्लड को लेकर के आना। और ये हैं स्मूथ मसल्स, अब आपको क्या याद रखना है, जब कोई मेल सेक्सुअली एक्साइट होगा, सपोज करते हैं कि किसी मेल ने कोई सेक्सुअल कंटेंट देखा और मेल सेक्सुअली एक्साइट हो गया, तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के केस में क्या होगा, यहां से पैरासिंपैथेटिक नर्व, कौन सी नर्व आएंगी, पैरासिंपैथेटिक नर्व विल ब्रिंग सिग्नल टू द आर्टरी। तो जो पेनिस के अंदर ऑक्सीजिनेटेड ब्लड लेकर के आने वाली ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल जो है उसको सिग्नल देगी
पैरासिंपेथेटिक नर्व। तो जब कोई मेल सेक्सुअल कंटेंट देखता है तो उसमें एक्साइटमेंट होती है और एक्साइटमेंट से पैरासिंपेथेटिक नर्व आकर के ब्लड वेसल के सेल के ऊपर एक्ट करती है और वहां पर रिलीज करती है केमिकल एसिटाइल कोलाइन। और जब एसिटाइल कोलाइन यहां पर रिलीज होगा तो उसके रिलीज होने से यहां पर पड़ा हुआ आरजी9 ब्रेक हो जाएगा टू कॉम्पोनेंट्स में, दैट इज सिट्रुलाइन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्या हुआ, मेल की पैरासिंपेथेटिक नर्व जो पेनिस में आ रही है उस नर्व ने आकर के एसिटाइल कोलाइन केमिकल आर्टरी के अंदर रिलीज किया और आर्टरी के सेल में जब उसकी एपिडर्मिस में ये केमिकल आएगा तो इस केमिकल से आरजी9 ब्रेक हो जाएगा सिट्रुलाइन और नाइट्रिक ऑक्साइड में, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ये एंटर कर जाएगा स्मूथ मसल में और स्मूथ मसल के अंदर जीटीपी बदल जाएगा इनटू साइक्लिक ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो नाइट्रिक ऑक्साइड किस में घुस गया, पेनिस की मसल में, और जब पेनिस की मसल में नाइट्रिक ऑक्साइड जाता है तो वहां पड़ा हुआ जीटीपी कन्वर्ट हो जाता है जीएमपी में और ये जीएमपी रिलीज करवाता है पोटेशियम आयन। और जब ये पोटेशियम आयन रिलीज होंगे तो इन पोटेशियम आयन्स के कारण यहां पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। तो अब ध्यान से बात को सुनिएगा, मेल हुआ सेक्सुअली एक्साइट, एक्साइट होते ही पैरासिंपेथेटिक नर्व ने एसिटाइल कोलाइन को रिलीज कर दिया ब्लड वेसल की एपिडर्मल सेल में, वहां से फिर क्या हुआ, एसिटाइल कोलाइन के आते ही न्यूरोट्रांसमीटर के आते ही वहां पड़ा हुआ आरजी9 ब्रेक हुआ सिट्रुलाइन और नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड घुस गया स्मूथ मसल में और स्मूथ मसल में पड़ा हुआ जीटीपी कन्वर्ट हो गया जीएमपी में मोनोफॉस्फेट में, और ये साइक्लिक जीएमपी रिलीज करवाएगा पोटेशियम आयन। जैसे ही पोटेशियम आयन निकलेंगे, पोटेशियम आयन इस ब्लड वेसल को चौड़ा कर देंगे, ब्लड वेसल में ज्यादा ब्लड आने लगेगा। तो जब मसल में से निकला पोटेशियम आयन एक्ट करेगा ब्लड वेसल के ऊपर तो ब्लड वेसल के अंदर ज्यादा ब्लड आने लगेगा, और जब पेनिस के अंदर ज्यादा ब्लड आएगा तो ये हिस्सा फूलता चला जाएगा जिस कारण पेनिस भी मोटा होने लगेगा, फूलने लगेगा। तो क्या हुआ, ये मसल जो है इसने क्या किया, पोटेशियम आयन रिलीज करा जिस कारण पेनिस के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ गया, और जैसे ही पेनिस के अंदर ब्लड ज्यादा आने लगेगा तो ब्लड वेसल चौड़ी होने लगेगी, और जब ब्लड वेसल चौड़ी होने लगेगी यानी कि वैसोडाइलेशन होगा तो ये टिश्यू भी पीछे की ओर खिसकेंगे, और जब ये टिश्यू पीछे की ओर खिसकेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने वाली ब्लड वेसल को पिचकना पड़ जाएगा। जब ये टिश्यू पीछे खिसकेगा तो इस वेन को पिचकना पड़ जाएगा, और अगर वेन पिचक गई तो वेन के पिचकने से क्या होगा, वेन के पिचकते ही पेनिस में ब्लड भरने लगेगा
और पेनिस हार्ड और इरेक्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, सबसे पहले एक्शन हुआ ब्लड वेसल पे, वहां से स्मूथ मसल पे, वहां से फिर ब्लड वेसल पे, जिस कारण ब्लड ज्यादा आने लग गया। ज्यादा ब्लड आने के कारण जो है जो स्पॉन्जी टिश्यू है उसे पीछे हटना पड़ा। जब स्पॉन्जी टिश्यू ऊपर की ओर या पीछे की ओर खिसकेंगे तो यहां से बाहर जा रहा ब्लड, वेन्स द्वारा बाहर जा रहा ब्लड रुक जाएगा और इस कारण पेनिस में ब्लड भरने लगेगा और जिस वजह से पेनिस इरेक्ट हो जाएगा। तो जब पेनिस के अंदर ब्लड भरने लगता है तो पेनिस इरेक्ट हो जाता है और इसका केमिकल पाथवे भी आपको समझा दिया। अब जब पेनिस इरेक्ट हो गया तो उसे नॉर्मल भी तो करना है, उसे फ्लैसिड पोजीशन पे भी तो लाना है। तो जब हमारे ब्रेन को यह लगता है कि किसी मेल ने अपना सेक्सुअल वर्क पूरा कर लिया है, उसको अब ऑर्गेज्म देने की बारी है जो कुछ सेकंड्स के लिए रहता है, तो अब स्पर्म्स रिलीज होने की बारी है। तो जब स्पर्म रिलीज होने होते हैं तो उससे पहले क्या होगा, सपोज करते हैं ये आ गया पेनिस और पेनिस के पीछे ये पार्ट है रूट वाला और यहां से जा रही है वास डिफरेंस और ये है एपिडिडाइमिस एंड दिस इज वी आर हैविंग टेस्टिस। तो ये टेस्टिस आ गई, ये एपिडिडाइमिस आ गई एंड हियर वी हैव वास डिफरेंस एंड दिस इज इरेक्ट पेनिस। तो क्या होगा, जब कोई मेल काफी देर तक अपने पेनिस को इरेक्ट करे रखता है उसके बाद उसके ब्रेन से सिंपैथेटिक नर्व्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन से सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास और वहां से सिंपैथेटिक नर्व क्या करेगी, सिंपैथेटिक नर्व की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो गैंग्लियन से निकल रही हैं, वो ब्रांचेस अचानक से एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस रूट और ग्लैंड्स को पिचका देगी जिस कारण झटके से सेमेन या स्पर्म बाहर आ जाएंगे। तो जब कोई मेल का पेनिस काफी देर तक इरेक्ट हो चुका होता है तो अब ब्रेन को लगता है कि पेनिस को नॉर्मल कर देना चाहिए बाय रिलीज ऑफ स्पर्म। तो एक इरेक्ट पेनिस नॉर्मल कैसे होता है, ब्रेन सिग्नल देगा स्पाइनल कॉर्ड को और स्पाइनल कॉर्ड से सिंपैथेटिक नर्व सिग्नल देगी एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस और रूट एंड ग्लैंड्स ऑफ पेनिस को और वहां से क्या होगा, अचानक से एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस और ग्लैंड्स और रूट पिचकेगी जिस कारण स्पर्म्स यहां से निकल के सिमेन लेते हुए बाहर चले जाएंगे और जैसे ही स्पर्म रिलीज होंगे उसके तुरंत बाद पेनिस के अंदर से ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा और पेनिस फ्लैसिड हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो पेनिस इरेक्ट कैसे होता है आपको यह भी बता दिया और पेनिस जो है वो जिस टाइम उसे नॉर्मल करना है वो भी बता दिया और आपको स्टार्टिंग में लेक्चर के ये भी बताया था कि जब सेक्सुअल कंटेंट किसी मेल ने नहीं देखा तो उसका पेनिस नॉर्मल कैसे रहता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल नॉर इपिनेफ्राइन। एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस कि ये वायग्रा कैसे काम करती है। तो देखिए
आपने कई बार ये नाम सुना होगा वाइग्रा। तो वाइग्रा एक स्पेशल टाइप का सॉल्ट है। जिन मेल्स का पेनिस इरेक्ट नहीं होता उनको डॉक्टर्स वाइग्रा प्रेस्क्राइब करते हैं। तो जिन मेल्स का पेनिस इरेक्ट नहीं होता उन्हें डॉक्टर्स वाइग्रा जो है वो सजेस्ट करते हैं। तो वाइग्रा करता क्या है, यहां पर जीटीपी कन्वर्ट हो रहा था जीएमपी में, तो इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है PDE5 फॉस्फोडाइएस्टरेज, और ये जो फॉस्फोडाइएस्टरेज है इस एंजाइम के कारण ये कन्वर्जन नहीं हो पाता। तो एक एंजाइम फॉस्फेट आयंस को निकलने नहीं देता जिस कारण पेनिस इरेक्ट नहीं होता। तो इस एंजाइम PDE5 फॉस्फोडाइएस्टरेज इस एंजाइम को जो है किल कर देगा वाइग्रा। तो जो वाइग्रा सॉल्ट है वो इस एंजाइम को खत्म कर देता है, जिस कारण अगर ये एंजाइम खत्म हो जाए तो ये रिएक्शन नॉर्मली हो जाएगी और ब्लड जो है वो आने लगेगा पेनिस में और पेनिस इरेक्ट हो जाएगा। तो एक एंजाइम PDE5 के कारण पेनिस में ब्लड नहीं आ पा रहा था और इस एंजाइम को खत्म कर दिया वाइग्रा सॉल्ट ने, और इस वजह से अब ब्लड में पेनिस में ब्लड आने लगेगा और पेनिस इरेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात थी। अब आपको एक चीज यहां पर और बता रहा हूं, कुछ बॉयज को ये अक्सर एक क्वेश्चन रहता है कि व्हाट आर मॉर्निंग इरेक्शंस, कि मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज्यादा इरेक्शंस होते हैं और कई बार कुछ ऐसे जो है सपने आते हैं कि जिस वजह से इरेक्शन होता है और जो स्पर्म्स हैं या सिमेन है वो इजेक्टुलेट हो जाता है, जिसको नाइट फॉल के नाम से हम कॉमनली जानते हैं। तो क्या होता है, मॉर्निंग के समय पर रैपिड आईज मूवमेंट स्लीप होती है, REM स्लीप। तो बॉयज के अंदर और गर्ल्स के अंदर भी अर्ली मॉर्निंग एक स्लीप होती है जिसको कहते हैं REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। एंड इसी टाइम पर हमें जो है ड्रीम्स आते हैं, और अगर इन ड्रीम्स में कोई सेक्सुअल कंटेंट आपको याद आ जाए तो उस कारण से क्या होगा, पेनिस इरेक्ट हो जाएगा, पेनिस में ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। और जब आप सो रहे होते हैं तो उस टाइम पे नॉर इपीनेफ्राइन का सिक्रीशन लेस हो जाता है, तो सोते समय इस केमिकल का सिक्रीशन लेस होता है जिस कारण पेनिस में ऑलरेडी ज्यादा ब्लड आ रहा होता है, और ऊपर से REM स्लीप और ड्रीम्स के कारण इजेक्यूलेशन हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो मॉर्निंग इरेक्शंस होते हैं उसका एक मेन कारण है रात के समय में नॉर इपीनेफ्राइन का लेस रहना, और अगर ये रात को भी ज्यादा हो गया तो आप उठ करके नींद में चलना शुरू कर देंगे। तो आप नींद में ना चलें इसलिए नॉर इपीनेफ्राइन का सिक्रीशन रात को कम रहता है, और जब इसका सिक्रीशन कम हो जाता है तो पेनिस में ब्लड बढ़ जाता है, और अगर पेनिस में ब्लड बढ़ गया, पेनिस में ब्लड ज्यादा हो गया तो ऊपर से ड्रीम्स आ रहे थे इस कारण से इजेक्यूलेशन हो जाएगा, और उस कंडीशन को
कहा जाता है वेट ड्रीम्स, और ऐसी कंडीशन गर्ल्स में भी देखी जाती है जिसको कहा जाता है नॉक्टर्नल क्लाइटोरियल ट्यूमिसेंस। लेकिन हमें यह डिस्कस नहीं करना है एंड वी हैव टू डिस्कस अप टिल हेयर ओनली बिकॉज वी आर स्टडिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एक कारण और होता है कि मॉर्निंग के समय में पेनिस ज्यादा इरेक्ट होता है और उसका कारण है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स इरेक्शन। तो रिफ्लेक्स इरेक्शन क्या होता है कि जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, रात को जब आप सो रहे हैं तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता रहता है और वो भी प्रेशर डालता है पेनिस पे, जिस कारण पेनिस में ज्यादा ब्लड आ जाता है और पेनिस इरेक्ट हो जाता है। तो सुबह के समय या 3 और 4 o'clock के आसपास पेनिस ज्यादा इरेक्ट क्यों होता है, तो उसके दो कारण बताए, एक नॉरइपिनेफ्राइन का कम होना और REM स्लीप का होना, और दूसरा कारण है यूरिनरी ब्लैडर का भर जाना और उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स इरेक्शन। और रिफ्लेक्स इरेक्शन 1 से 2 साल के बच्चों के अंदर से ही शुरू हो जाते हैं, तो ये एक बहुत नॉर्मल सी कंडीशन है। तो अगर किसी मेल का मॉर्निंग टाइम पे पेनिस इरेक्ट होता है या उसको पेनिस से इजेक्टुलेट हो जाता है कभी कभी, तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है, इसमें घबराने जैसा कुछ भी नहीं होता है। एंड दिस लेक्चर इज मेनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, सो बी साइंटिफिक, बी ब्रॉड माइंडेड। थैंक यू।